साहब के आशीर्वाद से, आप जैसे भगवान स्वरूपी श्रोताओं के आशीर्वाद से किसी एक की नौकरी लग गई तो ये समझो कि उस घर में उसी दिन से अखाड़ा होना शुरू। और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे भली भांति के आखिर अखाड़ा करता कौन है। तेरी माँ। पकड़ा, ठीक पकड़ा। जम खम वैसी ना है तुझमें ना धक्का मारती कॉलम के बाहर मिलता। एक बात बता भगवान, मेरी बुराई कर रहा है तू इतना? बुराई नहीं कर रहा। फिर मैंने तो इतना नाम भी ना लिया। तू कह रहा है कि अखाड़े कौन करता है? कौन करता है अखाड़े? तेरा परिवार तो बहुत सादा है, मैं ही करती हूँ अखाड़े। हाँ। है करके लगाई। मैं ये कह रही हूँ कि आज तू नौकरी गया था। हाँ, नौकरी रोज जाता हूँ, आज भी गया था, कल भी जाऊंगा। आज मंथ का लास्ट डे है। हाँ। और तुझे तनख्वाह मिली है। अच्छा, ला पैसा दे। कितने मिले हैं तुझे पैसे? हाँ, पैसे दे दिए। किसे दे दिए? दे दिए। किसे दे दिए पैसा? अपनी माँ को दे दिया, जिसे हर बार दिया करता हूँ। तो जा अपनी माँ के घरे जा। अरे यहाँ क्या कर रहा है तू? आज तो ज्यादा ही गुस्से में है। तो जा अपनी माँ के घरे जा, निकल निकल यहाँ से। सत्यानाशन कम से कम मार दो तरीका से। मैं कह रही हूँ जहाँ पैसे और वही इज्जत। तो शर्म कर ले भाभी। किसकी? अपने देवरों के सामने मार रही है भैया। मैं कह रही तुम दोनों छिट जाओगे, बता रही हूँ। मेरे भाई तू तो देवर की बात कराई, वो अपने मम्मी पापा के सामने भी मारे। वैसे भी हेलो, हाँ, वैसे भी तू पिट नहीं लाया क्या? खुद तो मोटा हो रहा है, वो सुखा के ढांकर कर रखी है बिल्कुल। जो आदमी दूसरों को देख करके जला करते हैं वो कमजोरी मिला करते हैं। हाँ। कि तेरी माँ को देख कर जल रही है ये, तेरे घर परिवार को देख कर जल रही है ये। हेलो, जब ब्याह करके आई थी ना मैं थारे घर में, ऐसी नहीं थी मैं। और यू ताई बैठी है ना, यू कुर्सी पे बैठी है, आते भी टबली में। अच्छा। अरे इब तुमने पीस पीस के ना चूल्हे पे रख रख के मेरा पिंजर बना दिया। जब ही मैं कहूँ की इतनी पीसने के बाद चटनी में इतना स्वाद क्यों आवे? सुन मेरी बात। सुन मेरी बात। हाँ। तू मत सुन मेरी, सुन। तू ये बता मेरी माँ से तुझे क्या एलर्जी है? एलर्जी तेरी माँ से नहीं, पूरे खानदान से है। ओ। और मेरे पिताजी लाला राम? यो लाला राम की तो मैं लठिया से मारूंगी, अब नहीं दूंगी मैं। अरे कम से कम मेरी शर्म ना कर दो, मेरे परिवार की तो कर ले, और भी कुछ ना कर दो घूंघटा कर ले, मेरा बाप लाला राम देख रहा है। घूंघट कर लूं? हाँ, मॉडल जमाना है आज का, कोई घूंघट घूंघट ना। पैर छू जाकर काई को पैर छू? अच्छा अच्छा, पैर छू मैं बुड्ढे के? इको कम कर दे। ना करूं, इतनी रहेगी। कह अपनी बात। सुन मेरी बात। सुना। न्यारा हो जा, न्यारा। ए? न्यारा न्यारा हो जाऊं? न्यारा हो जा, और दो खाएंगे, दो कमाएंगे, दो पकाएंगे। भैया दादाजी हो जाऊं न्यारा? हो जा। हो जाऊं? हो जा। लेकिन दादाजी। भैया। हाँ। पांचों भाई में से एक का ही ब्याह हुआ है, हम तो कवारे हैं, अभी अभी न्यारा मत हो। तारे चक्कर में तो मर रहा हूँ। हाँ, मरता रहे। और दादाजी ये हकीकत बात है, सत्य बात है, कई बार तो ऐसा मन करता है साला फांसी खा के मर जा। हाँ। पर ये चार दुश्मन भी तो जम भी तो दिखाई दे। हाँ। फांसी खा के मरेगा तू? हाँ। चल तुझे आज फांसी पे लटकाएंगे तो। सुन अपनी बात। कहो पिया जी। ए रबोलगी बोलूंगी तो परे को मर के बोले कैसे मेरे ऊपर चढ़ के बोलेगी? तेरी छाती में टक्कर मार के मरूंगी। कहे अपनी बात। अरे बोलेगी क्यों बोलेगी? हाँ, कहां तक मरेगी? पांच भाई हैं, एक मरेगा, दूसरा है, दूसरा मरेगा, तीसरा है, कहां तक मरेगी? सारे मर जाओ मेरे और सब, मुंह कोई लेना देना नहीं। सारे नहीं मार के मरेगी, और के बच्चे की जान लेवेगी। अरे बोलेगी क्यों बोलेगी? तरारे में। अच्छा। हाँ। और मैं तो रहूंगी बलम इब न्यारे में, रहूंगी बलम इब न्यारे में। बोलगी 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 क्यों बोलगी तरारे में? नारी होके
के सुख पावे न्यारी न्यारी डोलेगी। सासू ननद जिठानी तू किसते देवर कह के बोलेगी। अगर पड़ोसन ये कमला बिमला ये अगर पड़ोसन ताने हमारा काल देने छोलेगी। अगर पड़ोसन ताने हमारा काल देने छोलेगी। अगर पड़ोसन ताने हमारा काल देने छोलेगी। तू ही एक तू ही एक कमावे कुनवा थाली पड़ के सोवे से बीस तीस बाल काका सर पे बोझा ढोवे से। अपनी कष्ट तू अपनी कष्ट तू अपनी कष्ट कमाई ने क्यों पानी बीजू ढोवे। अपनी कष्ट कमाई ने क्यों पानी बीजू ढोवे। अपनी कष्ट कमाई ने क्यों पानी बीजू ढोवे से। मेरी मान जा मेरी मान जा मेरी मान जा बात इशारे में मैं तो रहूंगी बल में अब न्यारे में। मैं तो रहूंगी बल में अब न्यारे में। एक बात बता भगवान। हाँ मैं मानता हूँ चल मेरी माँ से तुझे एलर्जी है। अच्छा लेकिन देख इतना बड़ा परिवार बैठा है ये। हाँ। देख मेरी दो चार बहन बैठी हैं, चार पांच चाची ताई बैठी हैं, भुआ भाण भी बैठी है। हाँ बिल्कुल बैठी है। और देख सबसे ज्यादा जो जिसका मुझे फिक्र है दो चार मेरी बहन भी अभी रह रही है और दो चार मेरे भाई भी कमारे रह रहे हैं। एक बार इनका ब्याह हो जाने दे फिर मैं और तू झना झनवाजे बीजा तीसरा कोई नहीं आएगा। सुन मेरी बात। हाँ तेरे भाई ने और एक बार दादाजी हाथ उठा दो। एक बार दोनों हाथ उठा दो। उठा दो दोनों हाथ उठा दो जिसकी वीरबानिया से सरेआम मारती है। सुन मेरी बात। हाँ प्यार से समझाऊंगी। अच्छा देख भाई ने मरन दो। क्या भाई ने मरन दो बहनन ने मरन दे माए मरन दे बाप मरन दे दोनों रहेंगे मजे से। अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है मतलब तेरी अकेली के चक्कर में अपने परिवार को छोड़ दूं। इधर देख यहाँ से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर के वहां तक और वहां से लेकर के वहां तक। अच्छा ये सारा का सारा मेरा खिलखिलाता परिवार है। हरी भरी क्यारी है सत्यानाशन क्यों नाश कर रहे घर का। यो तेरा क्या नाम है लाला लाला राम। हाँ, यो तेरा यो पिताजी लाला राम भी बड़ी पहुंची हुई चीज है। मुझे तो आज पता लगा है। कैसे इतना बड़ा कुनवा मेरी छाती पे जन के धर दिया। भाई बुड्ढे ने भी जुलम कर दिए। क्या कहा क्या सुन मेरी बात। क्या अपनी बात छोटी छोटी बहन से। अच्छा। इतना गहरा मेल मारा तन्ने नहीं जान से। हाथों ऊपर तने हाथों ऊपर हाथों ऊपर राख रे सारे करी ना पिछान से। हाथों ऊपर रख सारे करी ना पिछान से। हाथों ऊपर रख सारे करी ना पिछान से। मैं कह रही एक मैं टन्नी टन बोलेगा तू मतलब मुझे मारेगी। जितने दाम लुटावे उन पे उतने प्यारे हो जाएंगे। लालच के सम्मेल एक दिन दुश्मन सारे हो जाएंगे। मारे बालक ये चिंटू मिंटू रिंकू मीना पंकज बस ये मारे बालक साने मारे बालक साने होते कूद के न्यारे हो जाएंगे। मारे बालक साने होते कूद के न्यारे हो जाएंगे। मारी हो जागी मारी हो जागी मारी हो जागी कमी गुजारे में। रहूंगी बल में अब न्यारे में न्यारे में। मैं तो रहूंगी बल में अब न्यारे में। सुन मेरी बात। हो काउ दिने हो काउ दिने ओ काउ दिने उठी गयो मेरो हाथ पलम तो है ऐसा मारूंगी। वो काउ दिने उठ गयो मेरो हाथ पलम तो है ऐसा मारूंगी। हो ऐसा मारूंगी पलम तो है ऐसा मारूंगी। वो काउ दिने उठ गयो मेरो हाथ पलम तो है ऐसा मारूंगी। वो काउ दिने उठ गयो मेरो हाथ पलम तेरी खाल उतारू। तेरी आरती उतारूंगी खाल उतारूंगी खाल खाल में घुस भर दूंगी। माँ की ओर को चला गया तो सासू गया खानदान की कम से कम मेरी ना तो मेरे बाप की तो शर्म कर ले। क्या कही तूने
गया खानदान? हाँ। ये क्या होता है? गया खानदान का नहीं पता? नहीं तो? नहीं पता, यो भी बढ़िया है दादाजी। क्या होता है मतलब बताए इसका? गया खानदान का मतलब होता है कि संस्कारवान सबसे पढ़ी लिखी सुथरी बहू होया करती है, जिसके संस्कार अच्छे होया करते हैं। अच्छा। उसको कहा करते हैं, जिस परिवार का चाल चलन बढ़िया होया करता है उसको कहा करे गया खानदान। चल तो फिर तू भी गया खानदान का है। एक बात बताओ, कम से कम मेरी शर्म ना कर, तो मेरे पिताजी की तो कर ले। हेलो, तू कर रहे है मेरे पिताजी की शर्म जो मैं तेरे पिता की शर्म करूं? अरे कर ले, जब ये मर जाएगा जब वही संभालेगा तुझे। कौन संभालेगा? लाला राम। यू यानी एक ही ऊपर पहुंचा दी, मुझे भी पहुंचा देगा। हाँ। इसे भी संभाल रहा है, एक छत्तर छाया में ना रहूं मैं। भले आदमी, शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे? काई को आएगी शर्म? या जब मेरा रिश्ता करने के लिए गया। हाँ। मेरा रिश्ता करने के लिए गया तो छोरी ना देखी कि छोरी कैसी है, छोरी के चाल चलन कैसे है। अन्यायी के बीच ने इसकी माँ देखी ही, माँ देखी इसकी। हम भी गए थे, 5-6 साल गुजार तो दिए। हाँ। कोई और होती तो टांट टंडीरे ने ठा के भाग जाती कद के। और के कही ऐसो मारूंगी, ऐसो मारूंगी खाल उतार दूंगी तेरी। दोबारा कह के बता। ऐसो मारूंगी सजन तेरी खाल उतारूंगी, ओ काऊ दिन उठ गयो मेरो हाय सजन तोरे। एक ही लाठी में टन्नी टन बोलेगी। हाँ देख लीजो। कौन सा बोले पीछे से? अरे कौन सा बोला तुम पांचों में से? पटक दे, बढ़िया आदमी ना है इतने। वीरों को और कोई चीज सुहाती ना, अपना बालक अपना बालम दूजी चीज भाती ना। सुन के। और घर कुनबे में आग लगोए आंसू एक बहाती ना। और सुन, घर कुड़वे में रहेगा तो न्यू ही झगड़े झोवेगा, एक दिन पाछे देख लिए तू अपनी इज्जत खोवेगा। मैं तो पीहर जारी सू तू मूड पकड़ के रोवेगा। जड़ी सोवेगा एक लाऊ सारे में, मैं तो रहूंगी बलम अब जाने में। बोलगी क्यों बोलगी तरारे में, रुक जा हो जाने वाली रुक जा। मैं तो रही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, पर आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। बहुत बहुत धन्यवाद।